सो गाइज मैं पेंट स्ट्रिप कर रहा था, बहुत नज़दीक तो आ गया हूँ। आप देख सकते हो स्टार्टिंग में केस ब्लैक थी एंड ब्लैक कलर अंदर से वापस आ रहा है, तो हम लोग कभी भी पेंट स्ट्रिप कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अनदर केस दैट आई हैड मेड, थोड़ी सी रेसिंग स्टाइल है क्योंकि इस पर स्ट्राइप्स थे, थोड़ी सी विंटेज जो रेस कार्स होती है उनकी तरह कुछ मैंने बनाने को ट्राई किया। इसको मैंने मास्किंग टेक्निक से बनाया, तो इसके ऊपर जो सेलो टेप्स है उससे मास्क कर दिया था। नाउ इसको हम लोग कोई तो डिफरेंट कलर का ग्रेडियंट देने वाले हैं। इसका फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा मुझे भी नहीं पता, बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट एंड कुछ तो क्रेजी करते हैं, लेट्स सी। सो आफ्टर पेंटिंग व्हेन यू आर यूजिंग द केस, ज़्यादा केस को बेंड मत कीजिएगा एंड यू कैन सी ऑल दीज रेसिड्यू। तो मैं निकाल रहा था तभी भी केस में बहुत अच्छा पैटर्न बन गया था एंड वो पैटर्न भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, इट लुक्स रियली कूल। सो गाइज हम लोग की केस तो हो गई है रेडी, मैंने उसको पूरा ऑल द पेंट हैज बीन स्ट्रिप डाउन जिधर भी करने वाले हैं ऑल दैट पोर्शन का। एंड केस पे आप देख सकते हो बहुत सारा टेक्सचर है, दैट इज व्हाई इस टेक्सचर को ज़्यादा मैं छेड़ने नहीं वाला। तो फर्स्टली वील स्टार्ट विद द बेस कोट, तो बेस कोट के लिए मैं व्हाइट करूंगा क्योंकि इसके ऊपर मैं बहुत सारे पॉपी कलर्स यूज करने वाला हूँ। तो मैं बिल्डिंग में नीचे जाता हूँ और ये मास्क पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे फ्यूम्स की प्रॉब्लम होती है, आपको भी होगी, और अगर आपको अभी नहीं हो रही है तो बाद में जाके हो सकती है, दैट इज व्हाई ये मास्क पहनना, कोई भी मास्क पहनना बिफोर स्प्रे पेंटिंग। आई एम वेटिंग फॉर द कोट्स टू ड्राई, तो अभी हम लोग ने बेस कोट कर दिया है एंड वी हैव सो मेनी पेंट्स विद अस। आई हैव अ फ्लोरेसेंट पिंक, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स, तो आपको फ्लोरेसेंट की ये ग्रीन शेड मिल गई तो भी आपको बहुत पसंद आएगी, जस्ट ट्राई इट वंस बिकॉज आई एम रिकमेंडिंग, दिस इज़ वंडरफुल। एंड देन इसकी कवरेज इतनी ज़्यादा नहीं है, दिस इज़ येल्लो, ऑरेंज येल्लो की शेड है। एंड देन फाइनली वी हैव दिस ब्लू, तो मैंने सोचा है कि रिवर ब्लू, तो मैंने सोचा है कि मैं तीनों को इस्तेमाल करूँ इन वन केस, लेट्स सी हाउ द प्रोडक्ट टर्न्स आउट। तो ग्रेडियंट मतलब ऐसे फेडिंग ग्रेडियंट मुझे ट्राई करना था, केस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली रंगीन, दैट इज़ व्हाट आई फील। वी विल स्टार्ट विद दिस वन एंड मुझे लगता है अभी इट इज ड्राई इनफ, वी जस्ट गो एंड चेक हियर इन आवर बैकयार्ड। सो आई स्टार्ट विद द फ्लोरेसेंट पिंक, मास्क ऊपर चढ़ा देता हूँ। लुक एट द बबल गम पिंक की कलर। ओके नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू यूज इज द येल्लो वाला, तो थोड़ा सेंटर में करता हूँ, ऊपर का मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ। लुक एट दैट, लुक एट हाउ इट मर्जेस, yeah that's what we want guys, that's what we want right now, this is how it is looking like, you can leave it like this। to niche ka white hai bahut beautiful lag raha hai but I'm thinking about making it blue। okay so guys now for the final color, the blue shade, isko halka sa karne wala hu, I don't want a lot of blue in there so. okay thoda zyada hi ho gaya but to bhi koi baat nahi, it looks fabulous, it's looking great। so guys spray paint ke coats ko sookhne ke liye time dena, abhi maine thoda zyada jaldi paint kar diya but now I will let it sit for at least an hour, nahi to uske pehle main agar haath lagaya to fingerprints aayega to apna pura paint job waste chala jayega, we don't want that to happen। बट इसको 5-10 मिनट थोड़ा निगरानी करता हूँ फिर ऊपर ले जाता हूँ, निगरानी इसीलिए क्योंकि इस पर डस्ट या फेदर्स या कुछ भी कबूतर का गिर गया तो अपना पेंट जॉब ख़राब हो जाएगा। सो गाइस जस्ट अ प्रो टिप, आपका पेंट जॉब फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा नहीं होगा तो डोंट गेट एंग्री, क्योंकि स्लोली स्लोली आप बेहतर होते जाओगे जैसे यू स्प्रे पेंट मोर। एंड कॉस्ट के बारे में बात की जाए तो यू डोंट हैव टू यूज़ 3 कलर्स, बहुत लोग बोलेंगे इतना पैसा तो कोई केस में डालता है क्या, आई एम एन आर्टिस्ट सो आई हैव अ लॉट ऑफ कलर्स ऑलरेडी एट माई प्लेस, अगर आपको करना है यू कैन यूज़ जस्ट वन सिंगल स्प्रे पेंट एंड 10 फ्रेंड्स की केसेस कर दो, उनसे पैसा लो एंड बाद में पैसा कमाओ, दे'ल पे यू इफ़ यू आर रियली गुड एट मेकिंग दीज केसेस। सो वेल हमारी केस तो अभी सूख रही है, मैं ऊपर जाके आपको बताऊंगा कैसी बनेगी एंड फाइनली वील साइन इट, उस पर अपनी निशानी डालनी, इट्स अ कस्टम केस, वी हैव मेड इट प्राउडली
and then we can flaunt it proudly. So yeah. So I'll be using a permanent marker to sign it, or kidhar almost karne wala hu. The reason is when I'll be holding the phone like this when I'm talking, so ye part expose hota hai, and so yeah, I'll sign it right over here. So okay, finally guys, this is how our case has turned out to be, and और मुझे तो ये कोई भी angles है हम लोग ने बनाई हुई नहीं लग रही है. It is absolutely looking like a factory made phone case, and जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे इतनी सुंदर phone cases मिलती है नहीं. मतलब it is थोड़ा girly, but अगर ऊपर का portion और red होता instead of pink तो बहुत manly लगता. I am deep like the rangeen guys, so I am not shy of sporting something this cool and rangeen. And I absolutely love the punchy colors. So guys, some FAQs के will the color fade? तो color fade तो कभी नहीं होगा. Color chip थोड़ा सा हो सकता है कभी तो, पर this is also waterproof. ये भी एक FAQ आता है. तो इसमें पानी गिरा तो color निकलेगा नहीं बिल्कुल. And it dries like latex. This is acrylic spray paint, तो it dries like latex. Even you can see, इसको भी मैंने spray paint किया था this case. So yeah, this is how it is looking. It is a very punchy poppy colors hai, jaise mujhe pasand hai. And you can experiment with different colors. You can go for army colors like military green ke liye ja sakte ho, ya fir something like this. So you can also experiment. So mujhe to aapko just ek idea deni thi how you can use spray paint to make something cool. So guys, do try this DIY out. Agar aapko ye video pasand aayi to apne friends ke sath share karna, सारे लोगों के साथ शेयर करना जिनको DIYs करना पसंद है. आई हैव अ प्लेलिस्ट ऑफ DIYs, तो वो प्लेलिस्ट जाके देखना, आपको बहुत सारी DIY की आइडियाज मिलेंगे. सो वेल गाइज, आई होप यू लव दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे देना. एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल, जाके देखना. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. डू ट्राई दिस DIY आउट.